अब एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नागौर के डीडवाना से ये खबर है, जहां पर ईडी की एंट्री हुई है। डीडवाना के खारिया गांव में ईडी ने दस्तक दी। राहुल भाकर और सुरेंद्र भाकर के घर पर कार्रवाई की सूचना है। रीट पेपर लीक मामले में ये कार्रवाई की गई है। सुरेंद्र भाकर और राहुल भाकर से पूछताछ जारी है। तो डीडवाना में ईडी ने खारिया गांव में दबिश दी है। राहुल भाकर और सुरेंद्र भाकर के घर पर ईडी ने कार्रवाई की है, छापा मारा है, रीट पेपर लीक के मामला। और अब ईडी तमाम ठिकानों पर दबिश दे रही है, जहां एक तरफ जयपुर में भी ईडी की टीम ने कई ठिकानों पर दबिश दी, वहीं अब जयपुर से ये ईडी की जो कार्रवाई है वो डीडवाना तक पहुंच गई है। डीडवाना में ईडी की एंट्री हुई तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। खारिया गांव में ईडी ने दस्तक दी। 3 गाड़ियों में भरकर ईडी के तमाम जो कर्मी हैं, अधिकारी हैं, वो पहुंचे और सुरेंद्र भाकर और राहुल भाकर से पूछताछ हुई है। इस खबर पर हमारे सहयोगी राहुल माथुर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कुछ निकल कर आ रहा है? सुबह के वक्त में ईडी की टीम ने ये छापेमार कार्रवाई की और अभी भी क्या ये कार्रवाई जारी है, क्या जानकारी? मैं आपको बता दूं कि सवेरे से ही ईडी की टीम डीडवाना के नजदीकी गांव खारिया पहुंची है और खारिया में ईडी की टीम ने दस्तक दी है। और ईडी की जो दस्तक है उसमें 5 जो निकल करके आए हैं, जो पेपर लीक प्रकरण को लेकर के इस तरह की बात सामने आई है, जिसमें ईडी की टीम अभी भी मौके पर जुटी हुई है। हालांकि क्षेत्र को सील किया हुआ है, उस क्षेत्र में प्रवेश निषेध है, लेकिन फिर भी इस तरह की जानकारी आई है कि शिक्षा संस्थान के 2 युवक हैं जो कार्यरत हैं, उनके यहाँ धर्म पे दबिश दी गई है। और इस दबिश के दौरान अभी हालांकि जानकारी ये नहीं आई है कि क्या क्या पूछताछ की गई है और किस तरह की जानकारी मिल पाई है, लेकिन अभी ईडी की टीम मौके पर है। जी बिल्कुल राहुल, एक निजी कोचिंग संस्थान में काम करने वाले 2 युवक राहुल भाकर और सुरेंद्र भाकर के घर पर ये कार्रवाई हुई है। किस तरह का लिंक इनका सामने आ रहा है कि इनके ठिकानों पर कार्रवाई हुई? शेखर के एक निजी संस्थान बताया जा रहा है, जिसमें ये दोनों कार्यरत थे और जिन पे आरोप जिस तरह से निकल करके आ रहे हैं, और जानकारी मिल रही है कि पेपर लीक प्रकरण में इनका कहीं न कहीं सहयोग रहा है। लेकिन हालांकि इस बात का खुलासा अभी तक हो नहीं पाया है कि इस इनके समर्थक के साथ जुड़े हुए हैं और किस तरह की इन्होंने सहयोग किया है, ये बात अभी खुलासा हो नहीं पाई है। खुलासा होने के बाद भी पता लग पाएगा कि इनके तार कैसे जुड़े हुए हैं, ये इसमें इन्वॉल्व कैसे हैं। जी नंदनी, चलिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए राहुल। तो अभी फिलहाल ईडी की टीम डीडवाना में कार्रवाई कर रही है। डीडवाना के खारिया गांव में ये कार्रवाई की जा रही है।